प्यारे बच्चों, रीजनिंग में त्रिभुज फाइंड करने की बहुत ही शानदार सी ट्रिक आप सभी के लिए लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन कभी भी दिखता है और उसमें कहता है कि त्रिभुज ज्ञात कीजिए, तो आपने सीधा गिनना नहीं है। एक फॉर्मूला आप सभी के सामने, आप सभी को दिख रहा होगा। इस फॉर्मूले को लगाने मात्र से आप इसमें त्रिभुजों की संख्या बता सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? एन एन प्लस टू, टू एन प्लस वन बाई एट। अब एन की वैल्यू कहां से आएगी? आपने सीधा कॉर्नर वाले पॉइंट से गिनना शुरू किया, नंबरिंग 1 2 3। जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो n की वैल्यू होगी। सो n इक्वल्स टू 3, n प्लस 2, 3 प्लस 2 5, n 3 2 जा 6 प्लस 1 7। सो गाइस, बटे 8, 5 3 या 15, 15 7 105 बटे 8। और आप जानते हैं कि सर ये तो कटेगा नहीं, लेकिन मैक्सिमम कितना जा सकता है उससे देख लेंगे। आप कहेंगे सर 8 एकम 8, 8 3 या 24, बस कितना जा सकता है उसके बाद नहीं। तो जो 13 आपका होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चा? 13 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न भी इसी तरीके से आपको दिखाया गया है। इसमें वही कॉर्नर से आपने गिनना शुरू कर देना है, 1 2 3 4। मैक्सिमम जो होगा वो n की वैल्यू होगी, 4 प्लस 2 6, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 बाई 8। तो 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, तो 9 3 जा 27, 9 3 या 27। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या बच्चा कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न भी आपके सामने है। यहाँ भी आपने कॉर्नर इस तरीके से गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5। मैक्सिमम 5 जो है वो n की वैल्यू, 5 5 प्लस 2 7, 5 2 10 प्लस 1 11। आपने कहा 11 7 77, 5 7 35, 5 7 35 और 3 38 बटे 8। ठीक है, तो 8 5 8 7 8 4 32, 6 8 8 64। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 64 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो गाइस, आप सभी को मेरी ट्रिक कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप सभी बताएंगे जरूर। माय बिगेस्ट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर नहीं किया है। इसी प्रकार की शानदार ट्रिक्स आप सभी को माय बिगेस्ट क्लासेस पर रोहित सर के साथ मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।